जमालाल, ये बता
शहर है रे। आज आज ये सारा बात अचानक में फंडे लगा दिया और क्या कहते थे साले? क्या कहा था साले फूल पर? आओ तुम्हारा काम है साले हराम। जमलाल ये सारे कड़ोहर शहर है। और तुम्हें मालूम भरा था यार साले कड़ोहर में यार से 40 के उसमें था। अगर साले मेरे ग्रामीण में रो रहा है तो उसकी बात क्या करती है कि बेटा चुप हो जा। क्या कहती है कि बेटा चुप हो जाओ नहीं तो सारे पागा। नारपाल छोड़ो बात को छोड़ो तो भाई हमारे बात को सारे जान में मकान मालिक कहा है सोलो हमारे नाम को सोहरा गए मेरे नाम का अरे सोहरा नहीं सोलो नारपाल कहा तो तुम्हें हो जानते नहीं मैं बहुत कमीना साले इंसान हूँ अच्छों के लिए अच्छा हूँ और साले तुम नहीं जानते हो कि मैं क्या चीज हूँ। सारा बने गए तो सारे जहान में सारे के चक्कर छूटते हैं आराम करो। या तो भाई भाई बोल रही हेलो हाँ देखे भैया नाम तो बताया नहीं है बोला था कि तुम्हारी सीट पर खुश होकर 10 रुपए कलम मांग भेजा है वो मांगने से करना पूछ लिया। दालपाल छोड़ो बात को और मेरी बात तो सुनो मास्टर जी। हाँ अरे कहीं खुशलिया ये बताओ मेरी प्रजा कैसी है और कुड़हल के हाल चाल कैसे? सर कुड़हल के हाल साल बहुत बढ़िया है अच्छा होना चाहिए चक है कोई प्रकार के दिक्कत कोई साले दुख तकलीफ की बात नहीं है कोई तकलीफ नहीं है। और जमालाल द्वारपाल हाँ कहा है और सारे मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ पंजाब के है कि आज अपने कुड़हल साल में सिर्फ अकेला एक छोटी सी जिंदगी जी रहा हूं और कुरान दे हमारे सिवा कोई नहीं है लेकिन दोस्तों अरे ढांटू हो ना अरे डाकू हो दरबार साले बदतमीजी नहीं करना नहीं तो तुम जानते हो जो मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनो कि आज आप दोस्तों मेरा भैया जिसका नाम है कहते हैं संसार धर्म राज और उसका छोटा भाई जिसे कहते हैं उदय राज और जो मेरा भैया साजिल है उसे कहते हैं मखान। दोस्तों आज मैं जी चाहता है कि अपनी बुढ़ा छोड़कर सर महोदय की तरफ चलो। वाह यह बात सही कहा हो फिर चला जाए दरपाल पहले सीधा से लगा और रात दरबार में बैठते हैं और उसकी विचार करते हैं। दोस्तों आज विचार करूंगा तो अवश्य महोदय से हम तो चलूंगा क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं
ना ही तो मेरे दादाजी, ना ही तो मेरे छोटे भाई, मुझे मुलाकात नहीं हुई। द्वारपाल जाओ तुम जेल की ड्यूटी करो, न तो सवाल न तो बात। आओ सिंहासन लगा, चलो आज दोस्तों बात तरफ बैठता हूँ। मास्टर अरे पैके ठाकुरा सिंहासन हमारे पुरहर शहर में आ गए। अरे तो मित्र, मैं तो अवश्य तुम्हें लेने आया हूँ और मेरे मोड़े शहर को चलिए। लेकिन आखिर बात क्या है दराज, सुनाओ बात को। मित्र दराज, आखिर हम तुम्हारे यहाँ आने वाले थे, लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई जो आज हमारे पुरहर में सोचा। अरे मित्र, बात तो कोई नहीं है, चलो दरबार में, दादा ने तुम्हें बुलाया है मित्र। ठीक है, लेकिन आखिर कोई बात तो जरूर होगी। अरे जो बात होगी तो दादा ने अवश्य बताएंगे मित्र। सुनो मेरी बात को। क्या कहना चाहते हो मित्र? मास्टर अरे पुलवाया इसलिए आज सुनो लगा कर पड़ा है ऐसा काम और मुझको तो बतलाओ। और दादाजी शरण ले हुए और उनको हाँ तुम ये बताओ बात क्या है, ये बताओ तुम कुछ मुझसे छुपा रहे हो देवराज? अरे नहीं मित्र, जब के दरबार में चलो सारा पता लग जाएगा मित्र। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ में अवश्य चलूंगा। अरे चलो बहुत जल्द के साथ चलो। चलो आओ चलते हैं। दादाजी कहिए। जय गोपाल है। जय गोपाल है दादाजी। और बताओ ठाकुर कुरहर का है समाचार बताओ। अरे मित्र, हमारे कुरहर का तो हाल चाल अच्छा है, लेकिन ये बताओ तुम्हारे मस्तक पर पसीना कैसा? कभी आप तुम्हारा चेहरा देखा तो अच्छा दिखा, लेकिन मेरी बात को सुनो। मेरे दुआ कहना चाहते हो बोलो। सुनो मेरी बात को। हेलो और आलो श्रीमान हमारे भाई साहब अमित अमित भैया बरसिंहपुर की तरफ से दस रुपए का शानदार चलती हुई सेल के पुरस्कार है। बैंक की तरफ से भैया को नमस्कार, धन्यवाद। अरे काहे बुलायो मित्र मेरे
मित्र, तो की बात है भाई, कौन साला दुश्मन आग उठाया है तो तुम्हें सताने की कोशिश की है, एक बार उंगली दिखा दो तो सारे को जान से नहीं मारा तो कहा मित्र, कोई ऐसी बात नहीं है, आखिर मेरी बात को कहो, मैं सुन रहा हूँ। अरे होई का हरा तुम्हारी भात क्या कहो मित्र, तुम्हें समझ नहीं आती है, उसका हरण हो गया। हाँ लेकिन ये बताओ, तुम ये बात कहते हुए शोभा लेती है, एक छत्री होता हूं, तुम्हारे पास तो पारस पूरा है, तुम्हारे पास पारस पूजा है, सोने का छुआ दो सारा लोहा बन जाता है, लोहे का छुआ दो तो छोड़ा बन जाता है, किस बात की कमी नहीं है, लेकिन आज ये बता हमारे लिए क्या है, कौन सी पूरा दे, मैं मदद कर सकता हूँ, कहो मित्र, सुन मेरी बात को, हो मैं सुन रहा हूँ भाई, मेरा ब्याह चंदेलागढ़ से हुआ था और वहां से दो दिन जो मैं जोड़ा मिला था, क्या कहा, हाँ और जब मैंने दाग से निकाला और उनसे कहा कि जाओ पता लगा कर आओ कि तुम्हारी बहन कहां पर है, हाँ तो उसने आकर मुझे क्या बताया, क्या बताया, समझ मेरी बात को, कहा मित्र, अरे पथरी को हो जाला सिगर नारा, सारे तुझे जरा खौफ नहीं था, मेरी भाभी का हरण जमा दिया बोला, लेकिन वो जोला सिंह सलक देवी के दर से मेरी पत्नी को बुलवा लिया, क्या कहा, हाँ मित्र, मेरी मछुआ को बुला लिया, तो बोला सुना मेरी बात को मित्र, हुआ है जिसका पूजन मैं करता हूं उसी का ज्वाला सिंह भक्त है, लेकिन मित्र मेरे वश की बात तो है नहीं, अरे नहीं बोला चल ऐसी बात मत करो, इस समय मैं बहुत मुसीबत का मारा हूं, अगर इस समय ऐसी बात करोगे तो तुम्हें बात शोभा नहीं देती, लेकिन मित्र चलो ठीक है, तो मेरे दादाजी हो तो तुम्हारी बात तक मैं टालूंगा नहीं, लेकिन मित्र चलो मैं अवश्य चलूंगा, सुनो मित्र, बोलो सुनो मेरी बात को मित्र, क्या कहना चाहते हो, अरे आग लगाई तेरे पत्थरी, पत्री सार में सारा कोई नहीं बचेगा, लेकिन मित्र चलो हम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन मित्र बोलो जो हमारे दादा
जो मलखान है हाँ उनको बुलवाइए, अवश्य बुलाऊंगा। देखिए मगर वो चंडी का बरतानी मेरे दादाजी है। हाँ आज अभी तो अरपाल को बुलाता हूँ, आप अपने भाई मलखान को बुलाता हूँ। चलो दादा को बुलाओ और फिर उसके बारे में सोचते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। चार भाई चार बहुत जल्दी के साथ सिरसा चले जाओ और मेरा भाई मलखान को बुलाओ। तत्काल जरा जा रहा हूं। इधर दादा मलखान अपने महलों में विराजमान है, जाते ही क्या कहना है चलते चलते। अरे नैहर से जब ससुर गई अरे संग दिया पहली भतार संग जाते हैं और सिरसा शहर में बिना मलखान के इजाजत कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। दादा जय गोपाल की। जय गोपाल हरे। हम मोहब्बत शहर से ने आ रहे दादा धागे द्वार पर, यानी तो शहर महोदय से सिरसा के लिए आ रहा है। हाँ दादा बोल किस काम से आया। हरे आप वहां तब का बुलावा है, चलो हमारे साथ है चलो।
दरबार के यहाँ कहीं ना जाओ, साथ है लेके आए दादा। यही हमारे धर्म राजा था जो परम पूज्य दादा हमारे अजमल खान को याद किया है। दरबार सुन मेरी बात को, अरे सीधा लगाई क्यों, अरे नौ कदम जी। चलो यार रात दरबार में बैठते हैं, चलो रात दरबार में बैठे और अभी तक मेरा भाई मलखान नहीं आया। अरे तो आता होगा, चलो आओ बैठते हैं। दोस्तों यही हमारे धर्म राजा था यानी मेरे परम पूज्य दादा की वर्तन है। और शायद नौकर ने बता दिया लेकिन नौकरों की बात मानना नहीं चाहिए। हमारे दादा हो सकता है दरबार में ही विराजमान हो। सुनो मेरी बात को, बताओ सुनो बहुत सुनी बात को सुनो। अरे काहे बुलायो दादा मने हे कम, किसने तुमको बुलाया? हाँ दादा, तो सुनो मेरी बात को। कहो। अरे खैर उसलिया ठीका बहु बात है। वो कौन सी बात है? बात तो अरे भाई का हरा तुम्हारी भाप करी जानते हो तुम क्या कहे? मैं कह रहा हूं।